भाई आ गई अपनी ट्रेन, आ गई ट्रेन, आ गई गंगा जी। क्यों बिहार में क्या बोलते हैं? झालमुरी बोलते हैं। झालमुरी। ये शावर है, आप यहाँ पे बढ़िया नहा सकते हैं। ये देख रहे हैं नीचे भी नल लगा हुआ है। घड़ी में बज गए हैं 4:21, ट्रेन का टाइम था 4:15, तो ट्रेन है लेट। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह, स्वागत है आपका अपने चैनल सानू जर्नी में। तो भाई दोस्तों, हम लोग यात्रा करेंगे आज के वीडियो में दून एक्सप्रेस से। हमारी बुकिंग हुई है ट्रेन, जो ट्रेन की बुकिंग हुई है वो है सैंडीला से, है ना। लेकिन हम लोग बैठेंगे जो है वाराणसी जंक्शन से, है ना, जिसे BSB भी कहते हैं। तो बोर्डिंग हमारी यहाँ से है। हम लोग यात्रा करने वाले हैं वाराणसी जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक की, वाराणसी से जाएंगे कोलकाता तक। अभी मैं वाराणसी जंक्शन पे बैठा हूँ दोस्तों, और ये दृश्य देख रहे हैं आप वाराणसी जंक्शन का। तो दोस्तों हो गया यार 5:40, ये ट्रेन आप सोचिए कि 4:15 पे यहाँ से चलने वाली थी वाराणसी जंक्शन से, लेकिन अभी देखिए हो गया है 5:40 हो गए, तो लेट चल रही है ट्रेन। अब देखिए कितने बजे यहाँ ट्रेन आती है, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये आप देखिए मालगाड़ी जा रही है। दून एक्सप्रेस का वाराणसी जंक्शन से डिपार्चर टाइम है 4:15 पर, और ये हमें हावड़ा पहुँचाएगी 7:00, लेकिन अभी ये ट्रेन लेट चल रही है। देखिए कितने बजे हम लोगों को यहाँ से लेके चलती है और कितने बजे पहुँचती है। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरे रास्ते का हम आप मज़ा लेंगे। वाराणसी जंक्शन का ये आप देख रहे हैं नज़ारा। जो हम सफ़र करने वाले हैं उसकी दूरी है 1062 किलोमीटर। वाराणसी जंक्शन से लगने वाला समय है, वाराणसी जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक जो समय लगता है 15:15 लगते हैं, पर ट्रेन लेट है। देखिए कितना समय लगता है आने में और कितना समय लगेगा हम लोगों को पहुंचने में हावड़ा जंक्शन तक। तत्काल टिकट के माध्यम से हम लोगों ने टिकट कटाया हुआ है। इस ट्रेन का नाम है दून एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 13010। सीट बुकिंग कराई है हम लोगों ने 3rd AC में 3A। दो टिकट हम लोगों ने लिया है, जिसका रुपए लगे हैं 3524.50, 3524.50। काफ़ी देर चलने के बाद मिल गए हैं, इनका प्रयोग किया जाए। हावड़ा प्रयागराज ये आप देख पा रहे हैं ट्रेन। ये भाई आ गई अपनी ट्रेन, आ गई ट्रेन, बहुत गर्मी थी, ठंडक आ गई भाई। भाई बोगी के अंदर हम लोग आ गए हैं, और ये बोगी के अंदर का आप नजारा देख लो। ये एट वाली है ऊपर वाली, और ये नीचे 7, ये दोनों हम लोगों का है, तो खिड़की के पास है, मजा आएगा। अब आइए ट्रेन के बारे में बात करें यार। तो जो सीट पे हम लोग आए हैं उस सीट की आप जो है पहले तकिया जो रखा हुआ है, कंबल जो रखा है, पहले उसे आप देखिए किस हालत में है, है ना। पहले आप बैक कैमरे से देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए तकिए की हालत देखिए, ये देखिए किस तरह रखा हुआ है, तो यूज किया हुआ ये हम लोगों को मिला है। ये देखिए कंबल, ये सब सब कुछ यूज किया हुआ रखा है। आते हैं जो यहाँ के अटेंडेंट हैं उनसे बात करते हैं कि भैया
कि क्या मामला है, क्यों ऐसा हम लोगों को मिला है। आते हैं तो बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। वही ट्रेन अपनी छोड़ चुकी है बनारस जंक्शन। ये भाई रात का नजारा, और ये भाई भाई 6:47 पे जो अपनी ट्रेन है वो चली है प्लेटफॉर्म से वाराणसी जंक्शन से। तो 4:15 पे चलने वाली थी जो कि चली है 6:47 पे, तो लेट तो ट्रेन हुई है। अब देखिए आगे का सफर कैसा रहता है। भाई ट्रेन के अंदर की सीन आप देख लीजिए कैसा है। ये भाई हाथ धोने का इनका नल, तरह ये भाई ये देखो भाई ये वॉशरूम। ये भाई आ गई गंगा जी, अच्छा भैया। बेहतरीन साठ गजब। बंगाल के लोग जो है जो बड़े भाई होते हैं उनको दादा बोलते हैं, और जो बड़ी बहन होती हैं उनको दीदी बोलते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ कोलकाता, यदि किसी को दादा कहूँगा तो दादा मतलब वो दादा मत समझिएगा कि भाई किसी एरिया का दादा है, ऐसा मत समझिएगा। दादा यानी बड़ा भाई, ठीक है। भाई दादा ने हम लोगों की खोली बदल दी है। तो भाई अब हम लोगों की जो चादर थी हट गई है, जो पुरानी पड़ी हुई थी यहाँ पे हट गई है, नई आ गई है। अब क्या क्या इन्होंने दिया है आइए आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको पता रहेगा भाई इस ट्रेन में आपको क्या क्या मिलता है। ये देखिए दो चादर, एक दो चादर, उसके बाद ये तकिया और इस तरह के आपको कंबल मिल रहे हैं। देखिए कश्मीरी कंबल, बहुत मखमली मुलायम, आप देख सकते हैं इसको ओढ़ने से बहुत ज्यादा ताजगी महसूस करेंगे आप, है ना। छोटे भाई छोटी बहन को बंगाली में क्या कहते हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। भाई अभी ट्रेन आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, और यहाँ का आप नज़ारा भाई इस तरह का है। आप देखो ये देखो इस तरह का नज़ारा आप का है। और तो यार इधर कुछ खास दिख नहीं रहा है जहाँ पे अपनी ट्रेन खड़ी है। हम लोगों ने घर से बनवाया है पकौड़े, ये देखिए, और ये देखिए ये चटनी बनवाई है हम लोगों ने। क्या बहुत भूख लग गई थी भाई, और स्टेशन का तो हाल आप जानते हैं कि आप जो भी खाइए मजा आ गया है। घर की चीज भाई बस खाते रहो।
चार्ज की सुविधा उपलब्ध है। ये देखिए हम लोगों ने लगा लिया मोबाइल। दून एक्सप्रेस जिसपे हम लोग सवार हैं तो ये ऋषिकेश से चलती है। देखिए इन इन स्थानों से हावड़ा जंक्शन पे पहुंचती है। हावड़ा जंक्शन इसका लास्ट स्टॉप होता है। ये आप देखिए वाराणसी जंक्शन से हम लोग बैठे थे, उसके बाद काशी स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आया, ये मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो इन इन जो स्टेशन हैं इनसे होते हुए दून एक्सप्रेस जाती है हावड़ा जंक्शन तक। ये सारे स्थान रास्ते में पड़ते हैं, आप देख लीजिए। ये ऐप द्वारा जो ट्रेन की ऐप है देखने के लिए, उसी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए संडीला था ना, वहाँ से हम लोगों ने बुकिंग कराई थी और बोर्डिंग हुआ था वाराणसी जंक्शन पे हम लोगों का। अब हावड़ा जंक्शन है अपना लास्ट स्टॉप और वहीं तक ट्रेन भी जाती है। ये देखिए आप, ये जगह आप पढ़ लीजिए। कैसे दे रहे हैं चाय? 10 रुपए का ही? 10 रुपए की एक चाय। चाय और इसके साथ जो है आप भाईती चाय पी सकते हैं। अच्छा ही अच्छा है। अच्छा हाँ, ये बता रहे थे कि इसमें दूध जो है बकरी का डाला गया। बकरी का बहुत ही स्वादिष्ट आ रहा है। एक बार पी लीजिए, आपको आनंद आएगा। अच्छा मैं भी पी के देखता हूँ। हाँ तो भाई साहब, क्या आपका विचार है इस चाय के बारे? अच्छा अच्छा, तो मैं पी लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, टेस्ट कर लीजिए आप। चेयर्स चेयर्स पहले। वाह चेयर्स, वाह ऐसी चुस्की मार रहे हैं जैसे लग रहा है बहुत ही आनंद आ गया। बिल्कुल जो आपने कहा कि बकरी की दूध की चाय है, वाह बहुत सही आपने कहा है। मेरी तो आवाज भी जैसे आप सुन सकते हैं, देखिए आप आवाज भी आपको बदलाव आएगा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्योर बकरी की। गांधी जी भी पीते थे बकरी की चाय। अच्छा, एकदम परफेक्ट चाय होती थी बकरी की। मैं आपको आवाज से बता सकता हूँ कि बकरी की थी। मैं देखा आपने आवाज देखा ना, एकदम ये बकरी की चाय, बकरी की दूध की चाय। वाह वाह, आनंद आ गया। आनंद आ गया, आनंद आ गया। दोस्तों घड़ी भी बज गए 8:52। ये पहले आप बताइए क्या क्या आप डाल रहे हैं? मिर्ची। ये मिर्ची आपने डाला? आलू डाला। ये आलू? चने। ये आपने चने भिगोए हैं? अच्छा, ये आपकी भुजिया? नहीं, नमकीन आपने डाला। ये खीरा? और ये आपने मसाला? नमक नमक। अच्छा मसाले बनाए आपने? ये अचार है। अचार? ये सरसों का तेल। सरसों डाल दिया आपने? हरी मिर्च है। हाँ हरी मिर्ची। ये भाई दादा बना रहे हैं हम लोगों के लिए। क्या नाम बताया इसका आपने दादा? हम लोग इधर बिहार में बोलते हैं झालमुड़ी, बाकी इधर कलकत्ता में तो भेलपुरी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, बिहार में झालमुड़ी बोलते हैं। क्यों बिहार में क्या बोलते हैं? झालमुड़ी बोलते हैं। झालमुड़ी ये झालमुड़ी। तो भाई झालमुड़ी तैयार, ये आप देखो। ठीक है, मतलब एक पूरा मिक्स टाइप का, जैसे खीरा आलू मूंगफली है ना, चटनी, सरसों का जो तेल इन्होंने डाला है वो भी उसका झाग जैसा लग रहा है।
भाई अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सासाराम, 10:09 हो रहे हैं घड़ी में। दोस्तों रात के बज गए हैं 10:35, अब आ रही है नींद, तो फिर सोता हूँ, मिलता हूँ आपसे उठने के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी चैनल सानू जर्नी में। तो उठ गया हूँ भाई, अभी देखता हूँ कौन सी जगह आई है, रानीगंज। ये देखिए आप मेरे रानीगंज में ट्रेन खड़ी है और यहाँ का इस तरह नजारा है, आप देखो। अनुग्रह गुरु श्री में 1 2 3 8 4 डाउन आसनसोल सियाला इंटरसिटी कालीपाई थी के छेड़े दिए छे 1 2 3 8 4 डाउन बदले जैसा छाया है सियाला इंटरसिटी। ट्रेन ने जल्दी दे दी है, चलिए चला जाए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लग रहा है वीडियो, अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए। ये देखो आप किस तरह के घर हैं। देखो आप कैसे करते हैं, कपड़े लगे हुए हैं। दोस्तों अपनी ट्रेन खड़ी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पे, घड़ी में बज गए हैं 7:22 और यहाँ का नजारा ये आप देखो इस तरह का है। ये अपनी ट्रेन और ये भाई जल्दी है ट्रेन अपनी, चलो घंटा। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी है, 7:23 हो रहे हैं घड़ी में। और ये आप देखो मालगाड़ी, ये देखो आप मालगाड़ी इधर खड़ी है और ये अपनी ट्रेन चल रही है भाई। ये नजारा इधर का, ये ट्रेन कहीं पे आउटर पे खड़ी है। ये देखिए आप पेड़ यहाँ पे किस तरह के हैं, ये देखिए। ये देखिए गैप कितना है, देख रहे हैं कितना गैप है पूरा। और इस जगह है देखिए पानागढ़, ये देखिए पानागढ़ जगह है। भाई सीन देखो यार, देख रहे हो पराग कोई स्थान था, उसके आगे जो है ट्रेन निकली है। तो यार बहुत सुंदर देख रहा है यार, एंजॉय करो आप। ये 20 का है और ये सारे 20 के हैं क्या?
टेक्नोलॉजी के साथ। काफी मजबूत पैकेट। कॉफी है, ट्वेंटी का है। कॉफी है, चाय नहीं है। चाय, हाँ चाय पिलाई। शक्कर ज्यादा ना खाऊं। हाँ अच्छा मीडियम। कॉफी चाय, चाय पिला रहे ना दादा। चाय आप आ गए हैं वीडियो में। हाँ वीडियो में आया। तो दादा चाय पिला रहे हैं। एक चाय बस, एक चाय। कॉफी आ बेचा। शकाश चाय बिल्कुल। इंडियन चाय कुल्हड़ में। कुल्हड़ की चाय मिली है ट्रेन में, देखते हैं कैसा है। बहुत सही, परम घटिया चाय है। हाँ भैया दे दिया 10 रुपया। दादा इसमें ना नींबू जनाई पड़ रहा है ना नमक। बोलिए हमको नींबू डालने के लिए, आपने लाल बोला, हम खाली लाल डाल दिए। अरे तो नींबू नींबू पैसा वो रेडी करिए, हमको गाड़ी खुलेगा यहाँ। अरे बाप, तुरंत तुरंत बेस्ट कितना बात है। हेलो दादा, बेस्ट है ना। हाँ चेन नींबू थोड़ा और डाल दो। छोड़ेगा नहीं, सब गाड़ी पांच बजे जाता है यहाँ पर। दादा थोड़ा नींबू और देना, हल्का नींबू है, थोड़ा नींबू दे देना। दादा नींबू। हाँ क्या बोले दादा, हो तेरी भूत की। मसाला दीजिए ना, मसाला काट तो लो दादा। 10 भाई इतनी चाय ली गई, देखिए लेमन टी कुल्हड़ में चाय और ये आपकी प्लास्टिक के गिलास में चाय, ये आप देख पा रहे हैं। चाइना इंडिया। अब बेचने वाले बोल रहे हैं ये चाइना है, ये इंडियन है, ये देसी। और ये देसी आ गया है। तीन तीन चाय हम लोगों ने ले लिया है। तो भाई तीन तीन चाय ले ली गई और 2 तो बिल्कुल घटिया निकली है। 1 लेमन टी रिक्वेस्ट करने पे थोड़ा नींबू इन्होंने और डाला है। कुछ ठीक हुआ है, मतलब पानी में जैसे आप नींबू डाल दीजिए उस तरह का है। ठीक है, काम चल जाएगी भाई आपको। ट्रेन में ठीक ठाक मिल गया है तो काम चलाइए। भाई सुबह में देखिए चाय और कुछ खाने को तो चाहिए होता है। काफी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे तो अभी एक के बाद एक लोग कई निकले हैं। तो कुछ अब जाके थोड़ी सी ताजगी, चटपटा भी अच्छा रहे, थोड़ा सा चटपटा हुआ है मन। कितने रुपए का एक बोतल? 20 रुपए की एक बोतल। यार ट्रेन की यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा महंगा अगर पड़ता है तो वो है पानी। ये देखिए 20-20 रुपए का बोतल का पानी दे रहे हैं। तो आप लोग जब भी यात्रा कर रहे हैं कोशिश करिए कि 5 लीटर का जो बॉटल होता है, बॉटल आप जहां से ही आप चल रहे हैं आप खरीद के रख लीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी, दूसरा आपका सस्ता पड़ेगा, तीसरा आपका अच्छा पानी पिएंगे। अब ये ला रहे हैं पता नहीं कौन सा पानी है, क्या है ना। और बाकी आप देखते हैं किस तरह का स्कैम होता है, किस तरह के कभी कभी नल के पानी आपको मिल जाते हैं, है ना।
तो ये सब परेशानियां आपको नहीं रहेंगी। तो ये ध्यान रखिए, आप कैन 5 लीटर वाला आप खरीद लीजिए और रख लीजिए, ग्लास रहेगा ही यूज एंड थ्रो का, आप ग्लास रख लीजिए, फर्स्ट क्लास आपका सफर हो जाएगा बढ़िया। और पानी भी, तो बड़े भाई को बंगाली में क्या बोलते हैं? दादा। दादा, अच्छा। और आपके बड़ी दीदी को? दीदी। बड़ी दीदी को दीदी, और छोटी जो बहन होती है उसको बहन बहन बोलते हैं। अच्छा, और जो आपने बताया दादी को क्या बोलते हैं? ठाकमाट। तो छोटी बहन को क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। अच्छा अच्छा, बहन एक ही बात है, बहन और कहिए या बोन कहिए, वो छोटी बहन होगी। अच्छा, और बड़ी को दीदी, बस एक ही, बस दीदी बोलते हैं। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास कैसा है, आइए देखिए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इस तरफ आपका है गैलरी। ये आप लोग इस तरह है आपका फर्स्ट क्लास का केबिन, ये देखिए इस तरह की सीटें हैं आपके सामने, ये ऊपर वाला, ये और अंदर से आप ये देखिए लॉक भी कर सकते हैं, इस तरह गेट आप लॉक कर सकते हो। और व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं ये देखिए, लाइट वेट आपका यहाँ पे इस तरह है, बेल भी दबाने के लिए है, आप बुला सकते हो, है ना। ये देखो आप 1 2 3 कितने साकेट हैं, आप मोबाइल वाइल है ना? ये सीट है ऊपर वाली और इस तरफ है, और नीचे वाली आप देखो ये सीढ़ी भी बनी है यहाँ पे चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए इस तरह सीढ़ी है, है ना, और इस तरह। बाकी आप जैसे इधर दिख रहे हो, आप ये देखिए वो मुड़ी हुई थी ना, इस तरह आप बढ़िया बैठिए और व्यू का आप आनंद लीजिए। ये देखिए व्यू का भी आपको शानदार नजारा मिलेगा, है ना। ये देखो आप सीढ़ी देखो इस तरह है। वॉशरूम कैसा है फर्स्ट क्लास एसी का, आइए वो आप देख लीजिए। साउंड भी दिया है, चेक जो बोलते हैं जब नल इस तरह का लगा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंसर लगा है ना, और यहाँ पे भी इसमें आपका साबुन रखा हुआ है जो आप हाथ धोने के लिए है, ये सेंसर है, ये भी सेंसर है, ये देखो आप पंखे उठे लगे हैं, है ना, लाइट इस तरह आप लगे हुए, ठीक है। यदि आपको नहाना है तो भाई यहाँ फर्स्ट क्लास की जो बोगी है उसमें नहाने की भी सुविधा उपलब्ध है। ये देखिए ये शावर है, आप यहाँ पे
यहाँ नहा सकते हैं। ये देख रहे हैं नीचे भी नल लगा हुआ है ना, पंखा भी चल रहा है यहाँ पे, ठीक गर्म पानी की सुविधा भी दिख रही है यहाँ पे। और एक यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रसोस भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, चल रहा है कि नहीं। हाँ ये देखिए सेंसर युक्त है आप जो है। यहाँ से व्यू भी बढ़िया मिल रहा है आप देख सकते हो, है ना, बहुत बढ़िया व्यूज भी आप ले सकते हो। युवा स्थान है, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है और ये नजारा आपका लिलुआ का आप देख रहे हैं इस तरह है, ये अपनी ट्रेन खड़ी है और ये देखिए आप पीछे तक आपका नजारा इस तरह। पास देने के लिए अभी 7 बजे का टाइम था हावड़ा पहुंचने का, हावड़ा जंक्शन, और 10:52 हो गए हैं, अभी तक ट्रेन स्टेशन पे पहुंची नहीं है। देखिए अब बस कुछ ही पल में पहुंचेंगे हम लोग हावड़ा जंक्शन पे, और ये सीन है, सामने का सीन आप देख लो। भाई पहुंच गए हम लोग हावड़ा जंक्शन पे, यार ये ट्रेन जो है 7 बजे का टाइम था यहाँ पहुंचने का और 11:12 हो रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 4 घंटे से ज्यादा ये ट्रेन लेट रही। और कैसा लगा यार ये सफर आपका मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए चलते हैं आगे, टैक्सी पकड़ते हैं, आपको पीली वाली टैक्सी भी दिखाते हैं, और आगे जो होगा तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते रहिएगा, है ना। भाई सबसे पहले हम लोगों को रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के बाद जो चीज दिखी है वो है आप देखो हावड़ा ब्रिज। हेलो, क्या शानदार चीज आप दिखा रहे हैं, है ना, मजेदार। हाँ कहाँ, आइए अब टैक्सी पकड़े और निकलते हैं धर्मतला के लिए। क्यों धर्मतला जा रहे हैं उसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मजा लीजिए इस पीली टैक्सी का, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी दिख रही है ये टैक्सी, है ना, मजेदार, मजा आ गया यार। ये देखिए अंदर का सीन कैसा है, देख रहे हैं ना भाई, पीली टैक्सी का मजा लिया जा रहा है। क्या सुन भाई, मजा आ रहा है पीली टैक्सी का? तो कोलकाता की ये पहचान है, आप जान लीजिए पीली टैक्सी, और एक अलग ही पहचान कोलकाता को दे देती है जो आपकी पीली टैक्सी है। क्या क्या बता रहे हैं आप? 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, मिलेगा पीली टैक्सी खत्म हो जाएगी 1-2 साल में? क्यों? इसका कंपनी बंद हुआ 13 साल हो गया, 14 साल, तो जो कंपनी गाड़ी बंद होते होते निकला हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ऊबर बचा हुआ है। हाँ जी, तो वही 1-2 साल है। अच्छा, टैक्सी नहीं मिलेगा कोई, कहीं भी पीली टैक्सी नहीं मिलेगी आपकी? नहीं, कस्टम नहीं मिलेगा, सब कटिंग हो जा रहा है। 15 साल की इसकी उम्र है, 15 साल के बाद चलाना नहीं।
अच्छा, तो भाई जिसको घूमना हो वो फटाफट अभी आके घूम लें, पीली टैक्सी का मजा ले लें। अब लीजिए कलकत्ता का मजा, कोलकाता का मजा। देखिए किस तरह दिखता है कोलकाता, और ये देखिए हावड़ा ब्रिज का नज़ारा आप देखिए। भाई वाह, ये देखिए है ना शानदार व्यू। तो अभी हम जा रहे हैं धर्मतला, वहीं पे होटल लेके रुकेंगे। अब आप कहोगे इतना बड़ा कोलकाता है, धर्मतला ही क्यों रुक रहे हैं, है ना, धर्मतला धर्मतला है ना, तो भाई वहाँ ही क्यों रुक रहे हैं। तो देखिए इसका कारण ये है कि जब आप वो क्या है, कोलकाता का सेंटर है ना, कोलकाता की मतलब किधर भी आप जाना है वो बिल्कुल बीच है। आपको अगर कहीं आना जाना होगा तो वहाँ से आसानी से कोलकाता के किसी भी कोने में आसानी से पहुँच जाएंगे, कम समय लगेगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ मेट्रो आपको मिल जाएगा, ट्राम चलती है ट्राम मिल जाएगा, है ना, और बसें, भाई बस तो बहुत मज़ेदार यहाँ चलती है, 10-20 रुपए दे के आप एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचते रहिए, घूमते रहिए, है ना। बिल्डिंग भाई देखो आप यहाँ का, देख रहे हो मुंबई का ब्लॉग मैंने बनाया था, देखिए वहाँ की बिल्डिंग कैसे दिख रही थी और यहाँ का कैसा दिख रहा है। तो जितने सामान है सब हॉल सेल में मिलते हैं अक्सर यहाँ पे, एक पीछे हाँ 20-25 रुपये करके जो मार्केट में उसका दाम 80 रुपये करके बिकेगा। सामान चाहिए हो यहाँ आकर के लेने? हाँ। अच्छा कितने रुपए का, मतलब ये जगह का नाम क्या बताया आपने? त्रिशिम स्ट्रीट बागरी मार्केट। बागरी मार्केट या अपने परवन रोड त्रिशिम स्ट्रीट। हाँ 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 टोटल एक सौ एक बच्चे खिलौने लेकिन एक पीस की सवाल नहीं है, चप्पल जूता जो भी लीजिएगा सब एक दर्जन। कौन सा? ये सामने राजभवन से गेट दिखाएंगे, चलिए। अच्छा ये राजभवन है, ये भाई कोलकाता का नजारा लीजिए, पीली टैक्सियां, ये देखिए ट्राम देख रहे हैं, इसकी भी सवारी हम लोग करने वाले हैं, है ना। खूब मजा आएगा कोलकाता के ब्लॉग में, और शॉर्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, दुर्गा पूजा का ढेर सारी शॉर्ट्स अपलोड हैं, है ना, बहुत मजा आएगा आपको। भाई दादा, तो अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों मौसमी का जूस पीने के लिए, ये देखिए 50 रुपये बताए हैं वो 40 और 30। तो दोस्तों हम लोग हैं तिवारी रेस्टोरेंट में, ये धर्मतला ही स्थान है, ठीक है, और बनर्जी रोड कोलकाता में तो है ही हम लोग। तो भाई यहाँ पे इनका प्योर वेज है, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे खाने के लिए। आप इनका मेन्यू देख लीजिए, इनका रेट क्या है ना। ये देखिए पालक आलू फ्राई है ना 100 रुपए का, ये सब रेट आप पढ़े हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए दाल फ्राई है 60 रुपए, दाल मखानी 120 की, ये देखिए बासमती राइस है 40 की, पनीर स्पेशल है 150 का, थाली भी ये लगाते हैं, देखिए एक थाली है 160 रुपए की और एक थाली है 250 की, जो 160 वाली थाली है 2 रोटी, ये देखिए हाफ राइस वेज ये है पापड़ विकल्प, और जो 250 वाली है देखिए जीरा राइस है पनीर है वेज है, और इनके यहाँ आप देखिए ग्रीन सलाद है ओनियन ये सब सारे चीजें हैं, तंदूरी रोटी है बटर नान है पर रुपए की तंदूरी रोटी है। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है आपका
कढ़ाई पनीर, ये जो कढ़ाई पनीर है बताए इन्होंने चटपटी है, तो कढ़ाई पनीर 170 रुपए प्लेट है, ऑर्डर कर दिए हैं। रोटी और दाल फ्राई येलो वाली, इसका ऑर्डर हम लोगों ने किया है। ये देखिए आ गया कढ़ाई पनीर, ग्रीन सलाद, येलो दाल, चावल, रोटी। तो दोस्तों इस खाने को हम लोग खाएंगे और फिर बढ़ेंगे आगे, कहाँ जाएंगे ये मैं बताऊंगा आपको अगले व्लॉग में। कैसा लगा यार ये व्लॉग? अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा है तो भाई पक्का अच्छा लगा है, तो लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।